हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने आए हैं डिस्कस करने के लिए कि फोर्ड ने इंडिया को क्यों छोड़ा। व्हाई डिड फोर्ड लीव इंडिया। तो दोस्तों देखिए, बड़ा एक सिंपल कारण है, बहुत कोई कंफ्यूजिंग स्टोरी नहीं है। और खास करके सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अब जो सर्विस रहेगी फोर्ड की वो कैसी रहेगी, क्या सेम सर्विस हमको मिल पाएगी या फिर उसके अंदर कुछ चेंज आएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम कि फोर्ड ने इंडिया को क्यों छोड़ा। देखिए दोस्तों, एक सिंपल रीज़न है, मार्केट। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर आप उसको मार्केट नहीं करते हैं तो वो सेल नहीं होगा। फोर्ड की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी वो कभी भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रही इंडिया को लेके। जहाँ पे उनके जो बाकी कंट्रीज़ के अंदर उनके मॉडल्स जा रहे हैं उसको लेके वो जितने एग्रेसिव रहे, इंडिया के अंदर उनकी लाइनअप आप देख सकते हैं, लिटरली एक डेड लाइनअप थी। बस ये है कि एक प्रोडक्ट बना के आपको दे दिया, खरीदना आप खरीदिए, नहीं खरीदना मत खरीदिए। सेम रहा उनकी सर्विस के साथ कि जो सर्विस क्वालिटी होती है उसके ऊपर उनको बेसिकली एक ऐप बनानी पड़ी, लोगों को एडवर्टाइजमेंट में बोलना पड़ा कि फोर्ड की सर्विस महंगी नहीं है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कंपनी की क्या हालत रही होगी। अब हम बात करते हैं जिनके पास फोर्ड की कार्स हैं उनका क्या होगा, उनकी सर्विस या अवेलेबिलिटी क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है, फोर्ड इंडिया में काफ़ी साल रह चुकी है, इसलिए जो उसके स्पेयर पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी ओपन मार्केट में बड़े आराम से अवेलेबल हैं। प्लस इनके सर्विस सेंटर काफ़ी हैं, तो आप मान के चलिए कुछ साल तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, और उसके बाद भी ओपन मार्केट में आपको फोर्ड के जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। बस एक बात होती है कि जो आपकी कार की वैल्यू है वो काफ़ी डेप्रिशिएट हो गई है, इसके अलावा कोई आपको परेशानी नहीं है। फोर्ड की कार्स अगर हम देखा जाए क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी हैं, और इंजन वाइज भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी हैं, इसलिए उसके लिए कोई परेशान होने की बात नहीं है। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू फोर्ड, वो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में आप हमको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।